हाय फ्रेंड, आपका अपना चैनल वसीम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सरफराज, आज आपको बीच ए स्टेट और सी स्टेट से संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस है उसका चैप्टर स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स से लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है और इस सब्जेक्ट पे मुझे कवर करना है। तो मैं अभी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स से ही कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे बात करें 85 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। पहले देखो, मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे कि पहले अगर मैं आपसे बोलूँ 54 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करना, ये जो 5 है 5 का स्क्वायर 25, 4 है 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। फिर उसके बाद से 5 × 4, 4 × 2, 5 × 4 = 22 जब कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाता है। 40 ऐसे लिखना है, तो एक नंबर इधर से छोड़कर और एक नंबर इधर से छोड़कर हम करेंगे तो 6192 मैंने आपका आंसर क्या होगा 2916 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं 62 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा 6 6 36 2 2 4, मैंने हमेशा टू डिजिट में आपको लिखना है। 6 2 12 12 2 24, तो हम 24 यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे 4 का 4 4 का 4 8 3 3 8 4 4, मैंने इसका भी आपका आंसर आ गया। अगर आपसे आ रहा है कि 57 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा 5 5 = 25, 7 7 = 49, 5 7 = 35, 35 2 = कितना होता है 70 होता है। ठीक है, 9 4 12 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 2 4 9 आ गया। तो आपने देखा इसमें कि 62 का होल स्क्वायर भी आपका आ गया, 54 का भी आ गया, 57 का भी आ गया। और देखो यहाँ पे जब भी लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 5 हो, तो हमें यहाँ भी मैं अगर चाहूँ तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपसे तो बोला गया यहाँ पे कि 65 जो है ना इसका स्क्वायर करना। तो अगर लास्ट डिजिट में अगर आपका 5 दिया हो, तो आपके लिए और इजी है 65 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। हम क्या आगा 6 में 1 डिजिट आगे बढ़ेंगे, मैंने इंक्रीज करेंगे, तो 6 7 जब कितना होता है तो 42 होता है, 42 मैंने 4225 हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर चलोगे तो 85 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो 5 5 = 20 हो जाता है, 8 में 9 मल्टीप्लाई करता है 8 9 = 72 होगा, 725 हो जाता है। उसके बाद से आगे चलते हैं, एक और भी मैंने आपके पास रूल है ये कर सकते, जैसे 85 का होल स्क्वायर इक्वल टू आप जो जैसे बोला गया था वैसे भी आप कर सकते थे, तो वही आया था जैसे 64 ये 25 बोला था, 85 जब कितना होता है तो 40, 42 जब कितना होता है तो 80। आप यहाँ भी अगर करते तो देखिए 5 2 2 7 मैंने यहाँ भी आ रहा है आपका। उसके बाद से भी अगर आप इसको और भी आपके पास कुछ जो रूल्स है ये तरीके हैं कि आप कर सकते हैं, जैसे आपसे बोला गया है कि 85 का होल स्क्वायर दिया गया, हम क्या कर सकते थे 100 से कितना कम है तो 15 कम है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 225 होता है, हम टू डिजिट ही रखेंगे 25 आ गया, 2 मैंने कैरी कर लिया साइड में रखा हूँ, उसको बाद में यूज कर सकते हैं। अब कितना कम है तो 15 कम था तो 15 माइनस कर लेंगे, क्या होगा 5 5 0 हो जाएगा, 8 में से बन जाएगा तो 7 होगा, ये जो 2 जो रखे थे 70 में 2 8 कर लोगे तो 72 होगा। इस प्रकार आप देख सकते हो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से सॉल्व करूंगा। इसके बाद से भी बहुत से क्वेश्चन आएगा जो आप कर सकते हो। चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो 1 की बात करें तो मैं आपको बता दूं यहाँ से कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 11 × 11 करूंगा तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर ट्रिक ये भी आप लोग सभी साथ जानते हैं कि 1 2 है, 2 डिजिट का है तो हम 1 2 लिखेंगे, और 2 में से अब मैंने बैक प्रीवियस हो गया तो क्या होगा 1 मैंने 121 आपका आंसर आ जाता है। जैसे आपका 111 × 2 में 111 ऐसे हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 123 लिखेंगे, इसमें से बैक हो गया तो 2 और 1 मैंने यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको 111 का होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप ये जो लास्ट का 2 डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 होता है, तो आप जानते हैं 121 होता है तो हम 21 रखेंगे, 1 को मैं कैरी करके साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से 111 में क्या 100 से 11 ज़्यादा था ना, हम 11 फिर 8 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना होता है 122 हो जाता है। ठीक है ना, इसमें जो मैंने कैरी किया था तो 1 उसको 8 कर लेंगे, 1321 देखिए आपका यहाँ से प्रूफ हो रहा है। उसके बाद भी आपको बताया गया 111 जैसे आपका हो रहा है 111 ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर जैसे 4 डिजिट का जैसे बता रहे कि वो यहाँ पे तो क्या करना है हम 1 2 3 4 करके 3 2 1 कर देंगे, मैंने आपका आंसर यही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे जा रहे हो कि 107 का होल स्क्वायर हो रहा है आपका यहाँ पे,
अब देख पा रहे हो कि 107 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो 107 का होल स्क्वायर अगर करना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, लास्ट का टू डिजिट देखूंगा, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 49 होता है, और 49 होता कितना, 100 से ज्यादा था ना 7, तो 107 में 7 हम ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 1.4 हो जाएगा आपका आंसर। जैसे आपका यहाँ पे 106 का होल स्क्वायर की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का टू डिजिट मैंने 06 का स्क्वायर 36 होता है, कितना जाता है 6 जाता, 6 जोड़ लेंगे, हो गया। फिर आपसे बात कर रहा है 113 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि 113 का होल स्क्वायर जब बात कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है ना, अगर मैं यहाँ पे इस 1 को कैरी कर लूँ, मैंने साइड में रख लूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, 113 में कितना एक्स्ट्रा हुआ था 13, तो 113 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 127। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें 9 का जो है आपका, यहाँ पे देखा जाए कि 999 जो दिया है उसका आपसे बात कर रहे हैं स्क्वायर करने की, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे 999 जो है उसका स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। देखिए पहले इसको करने से पहले हम सोचते हैं कि अगर 9 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने को दिया जाए तो आप क्या करोगे, 9 2 जा कितना करते हो, 18 करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 9 2 जा 18 हमेशा नहीं करेंगे, हम 9 2 में लिस्ट नंबर कौन सा है, अतः 2 है, 2 में से 1 मैंने सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 होगा, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, ऐसे करना है। जैसे हम 9 4 जा 36 बोलते हैं तो हम क्या करेंगे, 4 जो लिस्ट नंबर है इसमें 1 माइनस करेंगे तो 3, 9 में 3 करेंगे तो 6, ये 36 हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल कर रहा हूँ, 9 5 जो बोल रहा है तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, 9 में से 4 गया तो 5, 95 हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे मान लो कि 99 दे दिया, यहाँ पे 19 दे दिया, तो ये लिस्ट इसमें कहा 19 में से कौन सा लिस्ट है, तो 19 है, तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो 18 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, और ये के 9 में से हट गया तो 1, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका, और धीरे धीरे ठीक है। उसके बाद से फिर से हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 999 दिया है, तो चलो अगर मैं 9 × 9 कर लूँ तो क्या होता है, 81 होता है, लेकिन कैसे, और दोनों तो सेम था ना, कोई भी एक साइड का जो नंबर है इसमें से अगर -1 करूंगा तो 8 होगा, 9 में से वोट करूंगा तो 1 हो जाएगा, आप भी जानते हो क्या होता है। चलिए अगर 99 को हम 99 का होल स्क्वायर कर दें तो इसमें क्या होगा, 90 तो यहाँ पे 98 करेंगे, 99 करेंगे तो 0, 9 में से 8 करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद से जो मैंने आपको एक भी तरीका बताया था कि 99 का होल स्क्वायर कितना है, तो कितना 100 से कम है, 1 कम है, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1 होता है, कितना कम है तो 1 कम है, 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 98 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गया है रूट निकालने का। देखिए रूट निकालने की जो बात है, मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि आपको यही करना है कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। मैंने जब भी 1 की बात है तो मैं 1 नहीं तो 9 पढ़ सकते थे, अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 64 हो जा रहा है। ठीक है ना, फिर हम देखेंगे कि यह 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो रहा है और 7 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 49 होगा। ठीक है, उसके बाद से 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है और 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, यानी कि अगर आपको 6 लेना है तो 6 नहीं तो 4 पढ़ना पड़ेगा, और 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 25। एकमात्र ऐसा नंबर है जिसको 5 को पढ़ने से वो इससे आ जाएगा, मैंने ओनली 5 के लिए हम यूज करेंगे इसको। अब आगे जाओगे तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बात कर रहा है जैसे कि 7 9 2 1, हम क्या करेंगे जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पेयर से मार्क करेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, लास्ट का 1 है ना, तो 1 के लिए हम क्या क्या लाते हैं, तो 1 के लिए 1 नहीं तो 9 रखना पड़ता, तो मैं 1 नहीं तो 9 का, ऐसे भी सोच सकता हूँ, 1 1 जब 1, 9 9 जब 81 होता है, मैंने 19 पढ़ेंगे बस, पॉसिबल वैल्यू 2 आ जाते हैं। अब इसमें आपका आ रहा है कि 79 आ रहा है ना, 79 आ रहा है तो मान लो 8 8 जा 64 पढ़ेंगे और 9 9 जा 81 होता है, तो 81 तो ज्यादा हो गया तो हम 8 ले लेंगे, इसे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 72 होता है। अब 72 से 79 क्या है,
मोर हो गया, अगर इससे अगर ये ज्यादा रहा है प्लस में रहा है तो इधर के बड़ा वाला जो नंबर लूंगा। तो इधर तक फिक्स हो गया था कि 8 लेना है, इधर का फिक्स हो गया अब आपका कि 9 हो गया है, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। इसके बाद में मैं बताता हूँ कि अगर आपसे के ऑप्शन में दिया गया हो कि 7921 आपका हो रहा है और आपका ऑप्शन 89 दिया रहा है, तो एक डिजिटल सम है, हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ा तो मैं बता सकता हूँ दूसरे चैप्टर में, नहीं तो आप मैंने देख भी सकते हो, ठीक है। डिजिटल सम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसका मतलब होता है कि इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी मेरा रिजल्ट आएगा, आएगा ना 89। जैसे मान लो कि 2 यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे 4 कब आता है, 2 का स्क्वायर करें तभी तो 4 होता है, जबकि 4 एक क्या है, स्क्वायर रूट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम बोलेंगे कि 89 जहाँ भी आता है तो उसको क्या 9 का मतलब 0 रखेंगे। इसका मतलब हो गया, देखिए कभी भी अगर आपको यहाँ से डिजिटल सम में आपको पढ़ाया जाएगा कि 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 होता है, अगर डिजिटल सम होगा कि 1 प्लस 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो इससे इसका वैल्यू आएगा कि 9 का वैल्यू अगर हम 0 रख लेते तो डायरेक्ट आ जाता। अगर 9 प्लस 4 इक्वल टू आप मानते हो कि 13 होता है, अगर 13 ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर 9 नहीं भी रखता तो 4 हो जाता है। इसका मतलब हर जगह आपको ऐसे ही जो भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मन में आएगा 9 में 8 हम जोड़े तो 9 का वैल्यू कितना 17 होता है, अब 17 का मतलब 8 हो जाएगा, फिर अगर 9 भी नहीं रखते तो डायरेक्ट 8 आ जाता, ठीक है। तो ये सोचना चाहिए आपको कि अगर यहाँ पे 8 और 9 की बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम की जो बात कर रहे हैं हम 9 का मतलब 0 ही रख लेते, तो क्या आएगा आपका डिजिटल सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ जाएगा तो समझो कि कंफर्म है, मैंने आपका ऑप्शन लेना आपका सही है। अब 9 का 9 तो हो जा रहा है ना आपका, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इसको तो स्क्वायर करना था, 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 64, और 64 को जब ऐड करोगे तो 10 आएगा, और 10 का डिजिटल सम क्या होगा तो 1 होगा ना, तो यानी कि इधर भी तो 1 आएगा। देखिए 72 का मतलब तो 9 होगा, 9 का मतलब 0, अब बचेगा क्या 1, 1 इधर भी और 1 इधर भी, यानी कि ऑप्शन 89 अगर आप लेते तो करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 9216 अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 9216 जो हो रहा है इसका रूट हमको निकालना है। तो हम पहले तो अगर स्क्वायर रूट निकाले ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 66 + 36 + 44 + 16 हम तो बोल सकते हैं, जो आपको एक चार्ट बनाया था उसके लिए मतलब तैयार किया था मैं, आप देख सकते 1 का स्क्वायर 19 स्क्वायर 81 ऐसे करके बोला था आपसे, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, अब हम यहाँ पे जाएंगे तो 92 आ रहा है। अब सोच लो 9981 करेंगे तो मैंने बहुत सही है कि आपका लेना, अगर 10 जा करोगे तो 100 हो जाएगा तो हम 9 लेंगे, 9 में अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 10 होगा, 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, 90 से 92 क्या है ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा लेंगे, 90 से 92 ज्यादा है तो ज्यादा लेंगे, यानी कि इधर का 9 और इधर का 6, यानी कि इसका रूट कितना होगा 9216 का आंसर हो गया 96। चलिए प्रूफ करते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन दिया होता जो मैंने अभी अभी डिजिटल सम का बात किया, अगर उसका आप यूज करते हो तो ये 96 होता है। मान लो कि 96 का सम कितना होगा 15 होगा, अगर 96 जोड़ोगे तो कितना होगा 15 होगा, 15 जोड़ोगे तो क्या होगा 6 होगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36 होगा, और 36 को जोड़ोगे तो कितना होगा 9, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। अब देखो इधर भी 9 आ रहा है, 6 + 8 + 1 इधर भी 9 आ रहा है, यानी कि 9 9 दोनों तरफ आंसर है। आप चाहो तो इधर भी 9 का मतलब 0 मान लो, इधर भी 9 का मतलब 0 0 आ गया, नहीं ऑप्शन लेना सही था। आप चाहोगे तो अगर डिजिटल सम आपको मालूम है, अगर आपके पास ऑप्शन में दिया जा रहा है तो आपको कोई इससे बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 32041, इसका रूट निकालना है आपसे बोला गया, हम क्या करेंगे लास्ट का 2 डिजिट हम देखते हैं, ठीक है ना। एक तो बात है कि यहाँ से जैसे 1 हो गया यहाँ पे 9 हो जाएगा, देखिए अब यहाँ की 320 आपको कम से कम 1 to 25 तक स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है याद अगर रखोगे तो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब देखो 320 आ गया तो हम जानते हैं कि ये 300 का 20 का नियरेस्ट वैल्यू होता है 324, माने 18 का स्क्वायर होता है, तो देखिए 24 तो ज्यादा हो गया तो 18 लेना गलत है, तो मैं 17 तो ले सकता हूँ, 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब 17 में मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखूंगा इससे क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा लेंगे। अब 17 में 18 से 18 में 7 से मल्टीप्लाई 126, 18 + 18 कर देंगे, यानी कि 6 + 8 = 10 के कितना होगा 306 आ रहा है ना, 306 आ रहा है, 306 से ये 320 क्या है ज्यादा है तो ज्यादा लेंगे, यानी इधर का 2 तो नंबर 17 प्रूव हो गया, इधर का 9 हो गया, माने 179 आपका आंसर आ रहा है। अगर आप डिजिटल सम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आ जा रहा था 17 और 9 आया था, अब मान लो कि ये 9 का मतलब 0 होता है, 71 जुड़ोगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा, 64 का मतलब आपको मालूम है कि 6 + 4 = 10 का वैल्यू 1 होगा। इधर भी देखो 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9 आ रहा है ना, 4 + 3 ये कैंसिल बचेगा क्या 1, 1 से 1 मिल गया आपका, यही पे आंसर हो जाता, मतलब इतना से ही सॉल्व कर सकते थे ऑप्शन रहेगा तो।
चलिए आगे देखते हैं, उसी में है आपका कि 45369 जो है इसका मतलब रूट क्या होगा। तो देखिए ना, हम भी तो यहाँ पे कर सकते हैं ना, ये 69 हम यहाँ भी कर सकते हैं, 9 है लास्ट में, तो क्या पढ़ेंगे जैसे 45369 हम ऐसे ही कर लेते हैं, लाइन 9 है तो 3 का 9 और 7 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो अब सोच लो 453 जो आ रहा है कितना का स्क्वायर हो रहा है आपका। आप अगर यहाँ पे 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 होगा, अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे तो 500 आपका 76 हो जाएगा, सॉरी 25 का 625, अगर आप यहाँ पे 24 का करोगे तो 576 होगा, तो 576 होता है, 23 का करोगे तो 529 हो जाता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 हो जाता है, और 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है, तो वो भी नहीं ले सकते हैं। अब हम 21 का स्क्वायर जो है ना 441 माने सही है, क्योंकि अगर हम 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, जो कि आपके लिए रॉन्ग है। अब यहाँ पे अगर मैं 21 का स्क्वायर करूँगा तो ये तो सही है ना कि 441 हो जाएगा, अगर इसमें से अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए कितना होगा 22, चांस में 22 जा कितना आता है 44, यानी कि 2 और 4 6 मैंने 462 आ रहा है, जबकि ये 453 क्या है, कम है ना, ये अगर आपका 462 आ रहा है तो इससे ये कम है, तो कम है तो कम लेंगे, यानी कि इधर का 21 इधर का 3, यानी कि 213 इसका आंसर माने हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसमें बताया गया आपको कि अगर यहाँ से अगर मैं इसको ले लूँगा तो 81 आ जा रहा है, तो इधर का लास्ट में क्या होगा, 1 ले सकते थे, नहीं तो 9 ले सकते थे, ही ना 9 ले सकते थे। अब यहाँ पे 580 जा रहा है, तो आपको मालूम है कि 625 जो है, अगर 25 का स्क्वायर होता तो ज़्यादा है, अब 25 से कम होंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, सही है 500, तो यहाँ पे 24 ले लें और 24 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 का कितना होता है 125 दिन कितना होता है 50 होता है, यानी कि कितना हो गया 600। देखिए 2500 का 100, 25 दिन 50, ये 600 हो जा रहा है, कितना रहा है 600, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर 600 आ रहा है, तो इसमें 600 से 580 क्या है आपका कम है, अगर कम है तो इधर का मैं कम लूंगा 24, यहाँ पे 1 होगा, 241 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका स्क्वायर रूट फिनिश हुआ, अब आगे चैप्टर में हम देखते हैं क्यूब रूट आपको दिया गया है, क्यूब रूट में पहले हम जानेंगे इसका कि देखिए क्यूब रूट में होता है, देखिए 1 जो आएगा कितना भी करेंगे उसका पावर जाएंगे 1 ही होगा, 2 करेंगे तो 3 बार अगर जाएंगे तो 8 होता है, 3 करेंगे 3 बार जाएंगे तो 7 होता है, मतलब 3 बार ही तो जाना है, क्यूब रूट का मतलब तो वही होगा, अगर 4 का करेंगे तो कितना भी पावर कर लेंगे 4 का 4 ही होता है, 5 का क्या होता है नो चेंज, 5 का 5 ही होता है, 6 का क्या होता है नो चेंज, 6 का 6 ही होता है, और 7 का क्या होता है जब 3 बार जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 आ जाता है, और 8 का क्या होता है तो 2 बार हो जाता है, 9 का क्या होता है 9 ही आता है, और 10 का क्या होता है 10 आता है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसमें सब सेम है, ओनली 2 एंड 8, और यहाँ पे 7 एंड 3 जो है आपका मैंने चेंज हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया कि 512 जो होता है किसी का क्यूब रूट है, आपको मालूम भी है यहाँ पे, तो हम आपको भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे, नहीं भी मालूम रहा है तो हम तो जानते हैं कि यहाँ पे 8 आंसर आता है इसका, तो हम किस कैसे बता सकते हैं कि 8 आंसर है, यही तो 3 नंबर पे है ना, 3 प्लेस दिया गया था 3, तो इधर नंबर भी नहीं मिल रहा आपका, 2 लास्ट का था, 2 का मतलब हम 8 देख के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपका 64 होता है, ये भी किसी का क्यूब रूट है, 4 का मतलब क्या होता है 4, अब जानते हैं 4 का क्यूब तो उतना ही हो जाता है। चलिए अब जैसे मान लो आपको बताएगा कि 1728 जो होता है ये किसका क्यूब है, ठीक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1728 जो है क्यूब है किसका, तो पहले 3 प्लेस से हम इसको दे देंगे, देखिए उधर में 2 प्लेस दे रहे थे, इधर 3 प्लेस, क्योंकि ये क्यूब रूट है। अब 8 का मतलब तो 2 होता है, अब 1 बच गया, 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 का क्यूब मतलब 1 ही होगा, अगर 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, जबकि वो गलत हो रहा है, मैंने हमको 1 से ज्यादा नहीं लेना है, तो हम क्या होगा 12 होगा, यानी कि 12 का क्यूब बराबर कितना होता है 1728। अगर इसको भी आप चाहें कि हम 1728 जो नंबर आ रहा है इसको मैं डिजिटल सम से इसको मैंने प्रूव कर पाऊँ कि मैंने हाँ इसका कितना इतना आंसर आता है कि नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन रहे तो क्या होगा 21 क्या होगा 3 होगा, 3 का क्यूब इक्वल टू 27 होता है ना, 27 कितना होता है 9, और 9 का मतलब हमने तो 0 माना, अब 9 का मतलब 0 होगा, चाहे मान लो कि 9 ही ला देंगे आ जाता है तो सही है, मेरा देखो 8 1 9 7 2 9 आ गया ना, तो इधर भी 9 लिख लो, चाहे दोनों को 0 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर सेम टू सेम मिल गया तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं उसी पे, इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी क्यूब रूट भी है उसको मैंने आपको याद होना चाहिए वहां पे, देखिए इसमें एक न पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया है 226981 ऐसा दिया गया ना, अगर इसको हमको क्यूब रूट निकालना है, देखिए अगर ऑप्शन रहता तो आप डिजिटल सम का यूज कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं है
तो हम थ्री प्लस फाइव ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में एक है तो एक ही हुआ, ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू टू सिक्स हो रहा है ना, टू टू सिक्स हो रहा है अगर आपके यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। तो मान लो देखो, सिक्स का क्यूब 216 होता है और फाइव का क्यूब 125 हो, और सेवन का क्यूब तो ज्यादा होता है 343 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिक्स रखेंगे, माने मेरा आंसर क्या होगा, सिक्स, यानी कि 61 आपका क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से करना चाहते थे तो हम 61 कर दें, लेकिन इसको क्या तीन बार जाना पड़ेगा, यही ना होता। 61 कितना होता है, सेवन, सेवन का क्यूब देख पा रहे हैं 343 होता है। 343 का डिजिटल सम 4 3 7 3 10 10 का मतलब कितना होता है 1। यहाँ भी एक आएगा, देखिए 9 का 9 8 1 9 6 2 8 2 10 10 का मतलब कितना होता है 1 प्लस 0, इसका मतलब क्या हो गया 1। इधर भी और इधर भी आपको प्रूफ हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 941192 का जो है आपका, यहाँ से पूछा है कि 941192, ठीक है। अब बार बार क्या डिजिटल सम से प्रूव नहीं करना, आप तो देख ही रहे, आप कर भी पाओगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपका भी, बोला काफी समय लंबा बन गया वीडियो। चलिए यहाँ पे देखें, टू का क्या होगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। और देन 941 की बात करेंगे तो देखो, अगर हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 729 होता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 1000 होता है। तो 10 का स्क्वायर करने से जब 1000 हो जाएगा तो 9 का तो ले लेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 729 है, तो हम क्या करेंगे 9 ही लेंगे ना, ये तो कन्फर्म हो गया, तो आंसर मेरा 98 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखा जाए, दिया गया है 160 1613, 160 1613 दे दिया गया है। अब इसका बोला है कि इसका क्यूब रूट निकालो, हम क्या करेंगे थ्री प्लस पर हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना। ये थ्री का मतलब तो सेवन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये 1601 अभी तो अभी किए थे, तो 1200 12 का क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1728 हुआ था ना। तो अब हम उसे तो कम ही लेंगे ना, हम 11 का क्यूब कर देंगे तो क्या होता है 1331 होता है। तो ये कन्फर्म तो हो गया कि 11 लेना है ना, पूरा आंसर 117 हो गया आपका इसका। चलिए नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि 2048383 जो है इसका दिया है 2048388 और 3 दे दिया है, इसका भी क्यूब रूट अगर निकालने की बात चल रहा है तो हम यहाँ पे तीन लास्ट में है तो 7 रख देंगे, ये 2048 दे दिया है। तो देखो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 12 का क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1728 होता है। 13 का क्यूब इक्वल टू कितना होता है, तो 2197 होता है। देखिए उसके अंडर में ही तो है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 12 ही होगा, क्योंकि 2197 ज्यादा हो गया तो ये नहीं होगा, 127 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपसे बताया गया है कि 144 28 और 97 यहाँ से दे दीगा। अगर इसका मैं क्यूब रूट निकाल दूँ तो यहाँ से 3 प्लस से देंगे, 7 का मतलब 3 होता है और 1442 हो गया। आप देखो कि 1728 का मतलब 12 का क्यूब है और 11 का क्यूब मतलब होता है 1331, तो कंफर्म है कि 11 लगेंगे, 1113 मैंने 113 आंसर आपका हो ही गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपसे कि रूट ओवर 256 डिवाइडेड बाई है रूट एक्स, मैंने डिवीजन का सिंबल दे दिया है, एक्स इक्वल टू टू, देन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, हम क्या करेंगे 256 डिवीजन एक्स इक्वल टू में टू दे दिया, तो हम क्या करेंगे कि 256 हो रहा है, इसका बर्मूल कितना होता है 16 होता है, ये डिवाइडेड बाई होता है, ये रूट टू एक्स हो जाएगा बराबर में 2 हो जाएगा। अब 2 से क्या होगा, 2 8 16 हो गया। तो देख रहे हैं अगर रूट एक्स इक्वल टू 8 बोल रहा है तो एक्स बराबर क्या होगा, ये पावर उधर चलाएगा 64 हो जाएगा, मैंने आंसर आपका ये कन्फर्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल दा रहा है कि 248 प्लस में रूट ओवर 52 प्लस में रूट ओवर 144 है, अगर 144 का हम रूट निकालेंगे तो कितना होता है 12 होता है, अगर 12 को ले जाकर 52 में 8 करेंगे तो कितना बनता है 64। अब इसके ऊपर तो रूट है तो 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, 8 को अगर 248 में जाकर एड करेंगे तो 256 बनता है, 256 का रूट कितना होता है 16, यानी कि 16 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि 338 हो जा रहा है। आप देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे इसका कितना 576 होता है, इसका मतलब तो 24 होता है, यहाँ पे 256 का मतलब कितना होता है 16 होता है, यही तो होता है। तो 82 जा दो बार में, ये 12 दूना 24, ये भी दो बार में कटा, 169 दूना में 338 होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि रूट ओवर एक्स बाई 169 इक्वल टू में आपसे दिया गया कि 54/39 दे दिया गया। अब यहाँ पे चलते हैं तो रूट एक्स, मान लो कि रूट एक्स का तो रूट टूटेगा नहीं, एक्स होगा, 169 का 13 हो जाएगा, इक्वल साइन में 54/39 हो गया, तो ये तो इक्वल इक्वल है तो
कैंसिल कर सकते हैं, 13 से 3 चांस में होगा, 3 से कितना 18 चांस में होगा। तो रूट एक्स इक्वल टू अगर 18 हो तो ओनली एक्स इक्वल टू क्या होगा, 18 का पावर 2 चला जाएगा, इसका रूट कटेगा तो स्क्वायर हो जाता है, कितना होगा 324। चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि इफ एक्स 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 27 बाई 169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 13, द एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर रूट है तो 169 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा, प्लस 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा 196 हो जाएगा। 196 बाई में कितना होगा 169 होगा, इक्वल साइन में, ये तो रूट का रूट रहेगा। अब 13 में 130 प्लस एक्स कितना होगा, 13 प्लस एक्स बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 196 का रूट कितना होता है 14 होता है, 169 का कितना होता है 13 होता है। ये 13 प्लस में एक्स बाई 13 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 13 में से 14 चाहे 14 में से 13 घटाओगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताया जा रहा है कि फ्रूट ओवर 15625 इक्वल टू 125 है, देन द वैल्यू ऑफ इतना 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 ऐसे दे दिया गया। हम अब मानते हैं कि इसका वैल्यू वही है मेरा, ठीक है ना, तो अगर इसको भी करेगा तो कितना हो जाएगा 125 ही होना चाहिए प्लस में। अगर इसका वैल्यू दे देगा तो हम क्या करेंगे, 125 तो हम लिखेंगे लेकिन पॉइंट एक जगह पे दिया था, हम यहाँ पे 12.5 दे देंगे। यहाँ पे दे दिया था तो हम क्या करेंगे, 125 तो लिखेंगे ही लेकिन 1.1 नंबर के बाद से प्लस में 1.25 दे देंगे। अगर अब यहाँ पे जोड़ने की बात आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 125 कर देंगे, यहाँ पे 12.5 कर देंगे, आप यहाँ पे 1.25 कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 5 का 5 7, 5 2 7 हो गया, ये पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। अब 5 2 7 1 8 हो जा रहा है, 2 1 3 138.75, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, तो बोला गया कि 2 टू द पावर n इक्वल टू 64 दे दिया है। देखिए हम एक बात जानते हैं कि रूट 2 को अगर हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, इसका भी मतलब हाफ ये होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये आप जानते हैं तो रूट पर हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 का मतलब 2 के पावर हम 6 बार कर देंगे, बेस कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, अब आपका n बाई 2 इक्वल टू में 6 आ जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रूट 3 का वैल्यू 1.732 दिया है, रूट 2 का वैल्यू ये देगा, ऐसे भी इस मैथ का यही वैल्यू होता है, आपसे बात करेगा 1/√3 प्लस में रूट 2। कभी भी अगर ऐसा दे रेसिप्रोकल दे दे, मैंने उल्टा अपोजिट, तो इसका आंसर तो रूट 3 माइनस में रूट 2 ही होता है, अगर ऐसे भी करें। नहीं तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे करके इंटू रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस में रूट 2 बाई में रूट 3 माइनस में रूट 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, रूट 3 माइनस में रूट 2 हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 का 9 का बरमूल 3, 2 का 4 का बरमूल 2 आएगा क्या, यहाँ से घटेगा तो 1 हो जाएगा, यही आ गया रूट 3। जो इसलिए मैंने बताया कि कभी अगर आपका रेसिप्रोकल हो तो रूट 3 माइनस में रूट 2 ही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि रूट 3 माइनस रूट 2 की बात कर रहे हैं, तो रूट 3 का वैल्यू कितना है 1.732, रूट 2 का वैल्यू कितना 1.414, ये जो घटा देंगे तो माइनस होगा करेंगे तो आंसर है 12 में से 4 गए तो 8 हो जाएगा, कितना 2 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएगा, ये कितना होगा 0 हो जाएगा, 0.318, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि √32 प्लस √48 अपन माने √8 प्लस में √12 हो जाएगा। हम देखें जैसे देखो हम चाहते तो ऐसे इजी भी कर सकते, जैसे रूट 32 हो रहा है, अगर हम देखेंगे 32 का मतलब फैक्टर निकालेंगे तो 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4 हो रहा है। इसमें जाएंगे तो देखिए कितना हो रहा है, इसका देखो इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, किसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला, तो हम क्या करें इसको 4 चौका 16, 16 दूना 32 कर सकते थे यहाँ पे। फिर ये जैसे 48 ऐसे ही निकालेंगे तो हम क्या करें 4 चौका 16, 3 48, मैंने रूट 3 का पेयर नहीं मिला एक, यहाँ पे जाएंगे 8 है तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8 कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे 12 का है तो 2 दूनी का 4, 3 12 हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देख ला, अब यहाँ से अगर 4 को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो रूट 2 प्लस में रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या, अगर मैं भी 2 कॉमन कर दूँ तो रूट 2 प्लस में रूट 3 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 2 या 4 यानी कि 2 आपका आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है ना। आप भी चाहते तो वहाँ पे कॉमन कर सकते थे डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मुझे सॉल्व करना तो मैं ऐसे भी इसको कर सकता था यहाँ पे कि रूट 4
बाई में रूट थ्री माइनस में रूट थ्री बाई में रूट फोर, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व भी करना है तो आप जानते हैं कि फोर का टू होता है यहाँ पे रूट थ्री होता है, यहाँ पे रूट थ्री होता है, यहाँ पे क्या होता है सॉरी इसका थ्री कर दें यहाँ पे टू कर देता है। अब इसको निकालने जाएंगे तो टू रूट थ्री का एलसीएम तो टू रूट थ्री होगा, रूट थ्री से रूट थ्री तो कैंसिल होगा, अब कितना हो जाएगा टू से टू टू या फोर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टू से टू कैंसिल तीन थ्री का नौ, नौ का वर्गमूल तीन हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा वन बाई में टू रूट थ्री हो जा रहा है, वन बाई टू रूट थ्री आ जा रहा है, तो आपका ऑप्शन भी तो वही है, ऑप्शन नहीं देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि रूट वन माइनस में 91 बाई 216 दे दिया है, तो हम क्या करें 216 को वन चांस में कर लेंगे, तो 91 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 6 में से गए तो 5, 11 में से 9 गए 2 में से गए, मानी 125 हो जाएगा, 125 बट्टे में 216 आ जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्यूब दे दिया तो इसका मतलब 5, इसका मतलब 6, तो 5/6 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 3600 बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मैंने आपसे बोल रहा है कि वो छोटी संख्या बताओ कि 3600 को अगर डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब मेरा बन जाए। हम देखो पहले हम क्या करेंगे कि 3600 जो है इसका फैक्टर निकालेंगे, आप चाहो तो ऑप्शन वाइज भी इसको डिवाइड करके आंसर ला सकते थे, लेकिन चलो हम देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से हम 1800 करेंगे, ये कितना होगा 2 से 900 करेंगे हम, 2 से कितना होगा 450 करेंगे, 3 से क्या करेंगे 150 करेंगे, 3 से क्या करेंगे 50 करेंगे, 2 से क्या करेंगे 25 करेंगे, और 5 से क्या करेंगे 50-25 करेंगे। तीन तीन का पेयर हम लेकर आ रहे हैं, देखिए ये तीन तीन का पेयर आपका आ रहा है। यहाँ पे बोला कि कौन सा ऐसे नंबर से आप डिवाइड करोगे कि मतलब वो आपका जो है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो 2-3 आ जा रहा है, अब डिवाइड करने के बाद तो 2-3 यानी कि 9 हो जाता, यहाँ पे क्या आएगा 25, और इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे देखिए नॉर्मली है इसको लेकर चल रहा हूँ, अगर उसे भी मैं करूंगा तो वहां से भी आपका आ जाता है, जैसे 3600 आ जा रहा है, हम ऑप्शन वाइज ही लेने की कोशिश करेंगे, तो आपसे 9 का 36, 400 क्या है परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, हम क्या करेंगे 3600 करेंगे, ये क्या है 50, क्या 0 से 0 हो गया, अब 5 से कट होते 5 × 1 = 5, 7 = 35 हो जाएगा ना, और 5 × 2 = 10, ये भी नहीं है क्यूब। अगर मान लो कि इस 3600 को अगर मैं 300 से डिवाइड करूंगा तो जो 2 × 0 = 2, 0 3 × 12 क्या है, अब इस 3600 की बात करेंगे 450 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, और 5 × 8 = 40 होता है, मैंने ये एक परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 450 से अगर आप डिवाइड करेंगे 300, इससे भी आप ट्राई करते तो इसे हो जाता 5 से करके काटने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। बोला है कि छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग माने पूर्ण वर्ग बताओ कि जिसको अगर 3, 4, 5, 6, 8 से डिवाइड किया जा सके, ठीक है। हम क्या करें, कभी भी ऐसे हो कमा कमा देकर दे देते, उसका लिस्ट नंबर बोले तो हम क्या एलसीएम निकालते हैं, 3, 4, 5, 6 और 8 दे दिया गया, हम एलसीएम निकालने 3 × 3 LCM, 2 × 2 = 4 ऐसे होता है, 5 × 5, और 6 चाहिए तो 3×2 = 6 तो है आपके पास, 8 चाहिए तो 2×2 = 4 है, 1 दे देंगे तो मैंने हो जाता है, मैंने आपको यहाँ पे एलसीएम जा रहा है कि मैंने एलसीएम आपका इतने में होता, अब बोला था कि मुझे परफेक्ट है स्क्वायर चाहिए, देखिए ये परफेक्ट है, 2 के लिए अगर हमें परफेक्ट करेंगे तो 1 2 लेना पड़ा, 5 के लिए परफेक्ट है तो 1 मुझे 5 लेना पड़ा, और 3 के लिए 1 परफेक्ट है तो 3 लेना पड़ा। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा सब में से एक एक करके उसका स्क्वायर करूँगा, जैसे देखिए 1 1 3 लिए, ये 2 में से 1 2 लिए, फिर यहाँ से 1 2 से 2 ले लिए, फिर 1 5 लिए, ये कितना होगा 5 × 10 × 20 = 20 = 60 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3600 आंसर आपका हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, आपसे बोला कि यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि √2401 = 7x दे दिया गया, तो आपको ये देखना है कि इसमें कितने पावर जा रही है, इसे पावर से पावर अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों का काम ही खत्म हो जाएगा, आप 7/x हो जाएगा, तो हम सबसे अच्छा है कि 2401 का ही क्यों ना हम तोड़ लें यहाँ से, अगर यहाँ पे तोड़ते हैं तो 7×21 हो जा रहा है, या 3 × 7 = 28 हो जा रहा है, मैंने 7 से भी हो जाएगा, 7×21 हो जा रहा है, क्योंकि 7 था ना बेस, वही से 7 ले जाए, 7×21 कर रहे हैं, और 21 में 3 जाएगा तो 30 हो जाएगा, 7×28 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7×21 मैंने फिर 7 से करेंगे तो 7×28 हो रहा है, 7×4 = 28 हो जा रहा है, और ये 7×9 = 63 हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा आपको
चौका 28 हो जाएगा, 6 7 9 63, फिर ये 7 7 49 हो जाएगा। आपको ऐसे ही देख कर लग रहा है 7 4 12 तो 4 आंसर हो जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2401 का होल स्क्वायर अगर इधर से भी करते इधर से भी करते ये तो पावर पर ये पूरा कैंसिल हो जाता आपका ना। अब यहाँ से क्या होगा, 7 4 12 आया और यहाँ पे 7 x 12, 7 7 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाता। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द, मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग है जो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, उसको लगातार मल्टीप्लाई करोगे कंसेक्यूटिव, तो उसका डिफरेंस मैंने किससे डिवाइड होगा। चलो मान लेते हैं कि अगर हम 6 और 8 की बात करते हैं, हम 8 का अगर 6 8 तो दोनों एक इवन नंबर है, दोनों के जैसे 8 का स्क्वायर मैंने किया तो 64 होता है, अगर 6 का किया तो 36 होता है ना। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो 14 में से 6 गया तो 8 हो जा रहा है, और कितना 5 में से 3 गया तो 2, मैंने 28 आ रहा है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है 4 7, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, आप देख रहे हैं। फिर कोई मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर मैं 2 और 4 की बात करूंगा तो क्या होगा, 4 चौका 16 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 16 में से 4 अगर माइनस कर देंगे तो 12 होता है। यहाँ भी आपने देखा कि 3 से और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो बात सही है कि 3 से भी डिवाइड हो, कि हमेशा आपने 4 4 देखा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 10 और 12 की बात करेंगे तो 12 का स्क्वायर बराबर 144 होता है और 10 का स्क्वायर बराबर 100 होता है, दोनों का घटा दोगे तो 44 आएगा। जो 44 जो है आपको किससे किससे डिवाइड होगा, तो 4 से भी डिवाइड होगा और क्या होता है आपका 2 से डिवाइड होगा। हमेशा आपने देखा कि 4 से तो ऑलवेज, मैंने इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें, तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बोला कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो आपको यहाँ भी ऑड नंबर की बात किया है, हम क्या करेंगे, नॉर्मली ऑड नंबर कोई ले लेंगे, जैसे हम 3 ले लिए, हम 5 ले लिए, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर, डिफरेंस निकाल कर देखें किसे, तो 25 हो गया और 3 3 9, 25 में से 15 में से 9 हो गया तो 6 कितना होगा आपका, 16 हो गया। तो बोल रहा है कि किससे डिवाइड होगा, 3 से 7 से, आपने देखा कि यहाँ से 6 से नहीं 8 से मैंने ये डिवाइड हो जाएगा। फिर चलो एक और एग्जाम्पल ले कि मैंने 8 अभी लाया, फिर उसके बाद से अगर मान लो कि हम 7 ले लेते हैं, 9 लेते हैं, 9 9 81 होता है और ये कितना 7 7 49 होता है, इसको भी घटाएंगे तो 11 में से 9 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3। यहाँ भी देखिए मैंने 8 आ ही रहे, मैंने ऑलवेज डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा आपका। आपसे बोला है 21 में क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, मैंने भी किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट मैंने कौन सा नहीं हो सकता। चलिए मैं एक बात बता दूं आपसे कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, और 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, और 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, और 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, और 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, और 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, और 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, और 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। जो अभी अभी आपने उधर साइड में पढ़े थे कुछ डिजिटल सम का रूल हल्का बताया था, अगर मैं उसका पूरा क्लास दूं तो और जल्दी समझ में आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए इसका डिजिटल सम मैंने 1 आया, 4 भी आएगा तब समझते हैं कि कोई रूट हो गई, 9 भी आएगा, 6 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा, मैंने 7 का जरूर है, 5 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, मैंने 7 भी रहेगा एक, ठीक है। उसके बाद से 6 3 आपका 9 इसमें दिया गया है, 9 4 13 13 का मतलब 4 ही होगा डिजिटल सम जो कि है, 6 4 10 10 का मतलब डिजिटल सम 1 आपका है, 8 9 9 का मतलब 9 है, 100 का मतलब 1 मैंने है, यानी कि कोई भी डिजिटल सम अगर सम करने से 1 4 9 7 आ जा रहा है तो समझो कि ये मैंने वो क्या होगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे बोला कि कौन नहीं होगा, एक और भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ये जब हो 6 रहेगा ना, ये 6 तो इसे कभी भी हमेशा ही प्रेसिड जो होता है माने पीछे की तरफ जाएगा, वो हमेशा एक ऑड नंबर ही रहना चाहिए, कहीं भी देख लो 6 है तो 1 होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में भी दिया है 6 है तो 6 है ना, तो यहाँ पर आपका माने 7 रहना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद से कोई भी इवन नंबर आपको दे रहा है तो लास्ट का इवन नंबर अगर दे रहा है तो लास्ट का 2 डिजिट जो है ना आपको 4 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। पहले ही मैंने आप उसको ले सकते हो, देखो जैसे 64 इवन नंबर थे फर्स्ट, जैसे मान लो कि आपसे 676 कोई बोलेगा तो 4 से तो हम डिवाइड कर देंगे ना, तो इसी में हो जाएगा, तो या इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये डी करेक्ट मैंने हो जाएगा यहाँ।